రైట్ ఇక భారత తొలి ఉప ప్రధాని హోంమంత్రి ఉక్కు మనిషిగా పేరుగాంచిన సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ జయంతి వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. ఈ సందర్భంగా గుజరాత్లోని పటేల్ ఐక్యతా విగ్రహం వద్ద ప్రభుత్వ ఏకతా దివస్ పరేడ్ నిర్వహిస్తుంది. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రధాని మోదీ పాల్గొని పటేల్ విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులు అర్పించారు. ఇప్పుడు ప్రధాని మోదీ మాట్లాడుతున్నారు, ఇప్పుడు అలా చూద్దాం. महानगरों तक, पूरब से पश्चिम तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, सभी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को पूरा करने का प्रयास किया है. आज एक बार फिर यह देश मां भारती के महान सपूत को, देश के लौह पुरुष को श्रद्धा सुमन समर्पित कर रहा है. आज एक बार फिर यह देश सरदार पटेल की इस गगनचुंबी प्रतिमा के सानिध्य में, उनकी छाया में देश की प्रगति के महायज्ञ का अपना प्राण दोहरा रहा है. साथियों, मैं कल दोपहर ही केवड़िया पहुंच गया था और केवड़िया पहुंचने के बाद कल से लेकर अब तक यहां केवड़िया में जंगल सफारी पार्क, एकता मॉल, चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क, आरोग्य वन जैसे अनेक नए स्थलों का लोकार्पण हुआ है. बहुत ही कम समय में सरदार सरोवर डैम के साथ जुड़ा हुआ ये भव्य निर्माण एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का, नए भारत की प्रगति का तीर्थ स्थल बन गया है. आने वाले समय में मां नर्मदा के तट पर भारत ही नहीं पूरी दुनिया के टूरिज्म मैप पर ये स्थान अपनी जगह बनाने वाला है, छाने जा रहा है. आज सरदार सरोवर से साबरमती रिवर फ्रंट तक सी प्लेन सेवा का भी शुभारंभ होने जा रहा है. ये देश की पहली और अपने आप में अनूठी सी प्लेन सेवा है. सरदार साहब के दर्शन के लिए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने के लिए देशवासियों को अब सी प्लेन इस क्षेत्र में पर्यटन को भी बहुत ज्यादा बढ़ाने वाले हैं. इससे यहां के लोगों को, मेरे आदिवासी भाई बहनों को रोजगार के भी नए मौके मिल रहे हैं. इन उपलब्धियों के लिए भी मैं गुजरात सरकार को, गुजरात के सभी नागरिकों को और सभी 130 करोड़ देशवासियों को बधाई साथियों, कल जब मैं सारे क्षेत्रों पे पूरे दिन जा रहा था और वहां गाइड के रूप में यहीं आसपास के गांव के हमारी बेटियां जिस कॉन्फिडेंस के साथ, जिस गहराई के साथ सभी सवालों के जानकारी के साथ, त्वरित उत्तरों के साथ मुझे गाइड कर रही थी, मैं सच में बताता हूं
मेरा मस्तक ऊंचा हो गया। मेरे देश की गांव की आदिवासी कन्याओं का ये सामर्थ्य, उनकी एक क्षमता अभिभूत करने वाली थी। मैं उन सभी बच्चों को इतने कम समय में